पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने के लिए देशद्रोह का मामला चलाने से इनकार करते हुए कहा है कि इसकी इजाजत देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आगामी 11 मई को होने वाले आम चुनाव के लिए पाकिस्तान में मीर हजार खान खोसो के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। इस अंतरिम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने लिखित जवाब में ये रोक अख्तियार किया है। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अब्दुल हामिद को बांग्लादेश का 20वां राष्ट्रपति चुना गया है। हामिद बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी रकीबुद्दीन अहमद ने आज ढाका में घोषणा की कि अब्दुल हामिद निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि नामांकन पत्र भरने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार थे। इससे पहले हामिद को सत्ताधारी आवामी लीग के संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया था। नाइजीरिया के बोर्नो प्रांत में सेना और बोको हराम इस्लामी विद्रोहियों के साथ झड़पों में करीब 185 लोग मारे गए और कई घायल हुए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बरामद किए गए शवों को दफना दिया गया है, लेकिन मारे गए अन्य लोगों की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल ऑस्टिन इडोकपई ने बताया कि विद्रोहियों ने मानव ढाल तैयार की और सैनिकों पर रॉकेट चालित ग्रेनेड तथा आधुनिक मशीन गनों से हमला किया। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में उग्रवादियों ने 9 विदेशियों के एक समूह का अपहरण कर लिया है। लोगर प्रांत के अजरा जिले में एक हेलीकॉप्टर में सवार इन लोगों को जबरन उतरने पर मजबूर किया गया। खराब मौसम के बावजूद उग्रवादियों ने हेलीकॉप्टर को उतारने पर मजबूर किया। इराक में हुए कई बम धमाकों में 23 लोगों की मौत हो गई और बहुत से घायल हो गए हैं। इनमें 2 बम विस्फोट बगदाद हवाई अड्डे के चेक पोस्ट पर हुए। हालांकि इन धमाकों की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन विस्फोटों के पीछे अलकायदा की स्थानीय इकाई का हाथ समझा जा रहा है। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार आ रहे भड़काऊ बयानों के बीच कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बना हुआ है। तनाव के इस माहौल के बीच रविवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में शांति के लिए हजारों युवाओं ने 10 किलोमीटर पैदल यात्रा की। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के युवाओं ने शिरकत की, जिनमें भारतीय मूल के युवा भी शामिल थे। इन युवाओं ने 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद शांति के लिए शपथ ली और उत्तर कोरिया से अपील की कि वो अपना आक्रामक रवैया छोड़े। इस कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन मननम इंटरनेशनल ने किया। चीन के तिब्बत से लगे सिचुआन प्रांत में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 200 से भी अधिक हो गई है। रिक्टर पैमाने पर मापे गए 7 तीव्रता के इस भूकंप में 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप ने देश के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें शिविरों में ठहराया जा रहा है और उनके खाने पीने की सामग्री का इंतजाम किया जा रहा है। सीरिया में विपक्षी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार सैनिकों ने कल कम से कम 85 लोगों की हत्या कर दी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उधर एक अन्य घटना में सीरिया के सैनिकों और लेबनान के शिया लड़ाकों ने आज दोनों देशों की सीमा पर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हमला कर दिया। हमले में 6 विद्रोहियों सहित एक महिला की मौत हो गई। आज गूगल अपने एक खास डूडल के जरिए विश्व पृथ्वी दिवस 2013 मना रहा है। इस डूडल में सपनों से धरती, हरा भरा मैदान, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, बादल और बारिश को शामिल किया गया है। गूगल का डूडल पृथ्वी पर सूरज और चांद के उगने और डूबने के साथ मौसम के बदलते चक्र को दिखा रहा है। 43वें विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर गूगल ने प्रकृति की विविधता और उसे स्वच्छ रखने का संदेश दिया है।